इस तरह की वेबसाइट मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आप जो है ना वो वेबसाइट बना सकते हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना वो आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं। ये हम ब्लॉगर पे बना के मैं आपको दिखाऊंगा, और हर जो मूवी है वो प्ले होगी और डाउनलोड हो सकती है, ठीक है जी। तो आपने जो है ना ये कंप्लीट वीडियो देखनी है, ये देखें ये है, जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मूवी है जो बहुत फेमस मूवी है, ठीक है, पठान मूवी। मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें ये इस तरह का पूरा सेटअप होगा। ये मैं आपको सारा सेटअप फ्री दूंगा, जस्ट आपने कुछ सेटिंग करनी है, बाकी आपने डेली जो है ना वो वीडियोस अपलोड तो नहीं करने, यानी आपको अपलोड भी करने नहीं पड़ेगी, सिर्फ पोस्ट करनी है। इस तरह आपकी वीडियो चलेगी, ये देखो इस तरीके से जो है ना वो आपकी वीडियोज़ चलेंगी। तो मैं ये सारा कुछ आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है ना आप ये इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, सिखाऊंगा कि कैसे अपलोड करनी है, और पूरा सेटअप थीम समेत हर चीज़ मैं आपको दूंगा। आपने सिर्फ कुछ सेटिंग करनी है, वो सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप जो है ना वो अपने मिलियंस के अंदर व्यूज़ लेके आ सकते हो। आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, गूगल के अंदर जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर देखो, मिसाल के तौर पर मैं मूवीज़ लिखता हूँ, ठीक है, मूवीज़ HD लिख दिया मैंने, तो ये देखो कितनी सारी वेबसाइट है, और यहाँ पर कितने सारे जो है ना वो यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखो डाउनलोड मूवीज़ HD, ठीक है, 1080 पिक्सल में, 720 पिक्सल में, ये सारे जो है ना वो लोग सर्च करते हैं, और ये मिलियंस के अंदर सर्च होता है। ये एक वेबसाइट है cloudy.pk, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो मिलियंस में ट्रैफिक आता है, मिलियंस में पर मंथ, मिलियंस में। देखो जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर हम इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके से जो है ना वो मिलियंस में सब विजिटर आते हैं। इसको कुछ नहीं करना पड़ता, इस वेबसाइट जो बनी हुई है इसके ऑनर को कुछ नहीं करना पड़ता, लोग खुद ही जो है ना वो इसके ऊपर मूवी सर्च करते हैं गूगल में और इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो मैं आपको ये देखो बिल्कुल सेम ऐसी वेबसाइट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना होगा, कोई चीज़ कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी, ठीक है, और ना ही कोई डाउनलोड लिंक लगाने की ज़रूरत। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ये ऑटोमेटिक आपका सारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, अब मिलियंस के अंदर आपके पास व्यूज़ आएंगे। ये देखो जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने सेम इसी तरीके से करना है, एक चीज़ एक पार्ट भी स्किप नहीं करना। ये आपने सिमिलर वेब के ऊपर मैं जा रहा हूँ, मैं आपको इस वेबसाइट का जो है ना वो सारा बताता हूँ कि इसके ऊपर कितने व्यूज़ आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो है ना वो लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी, और ये आपके सामने जो है ना वो सारा इसका पूरा स्टैटिस्टिक बता देगा कि किस तरीके से जो है ना यहाँ पे कितने व्यूज़ आते हैं, कितने मिलियंस के अंदर जो है ना वो इसमें व्यूज़ आते हैं। तो ये मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, ये देखो जी, तो यहाँ पे जो है ना वो आपको सारा कुछ जो है ना वो दिख जाएगा, और आपके वेबसाइट के ऊपर भी इसी तरीके से मिलियंस के अंदर व्यूज़ आ सकते हैं, मिलियंस के अंदर व्यूज़, और वो भी डेली, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे जो है ना वो देखो ये वेबसाइट है, और यहाँ पे ये देखो ये किस तरीके से यहाँ पे जो है ना मिलियंस के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं। देखो ये पाकिस्तान से ये हेड की जाती है वेबसाइट, पाकिस्तान से जो है ना ये चलाई जा रही है, और ये देखो यहाँ पर ये पेज विजिटर और ये ड्यूरेशन, इसके ऊपर आपके सारा कुछ जो है ना ये आपका भी हो जाएगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करनी है आपने, और वीडियो पूरी देखनी है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो गूगल में आप चले जाओ, यहाँ पे आप लिखो हिंदी लिंक्स फॉर यू, ये देखो यहाँ पे देखो ये एक वेबसाइट है, और लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर कितने लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है, देखो ये गूगल में रैंक कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक वेबसाइट है जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर कितना काम करते हैं, कितनी वीडियोज़ जो है ना वो आप इसमें मूवीज़ मिल जाएंगी कि लोग जो है ना जब विज़िट करते हैं तो इनकी वेबसाइट खुलती है। तो इसी तरीके से आपकी वेबसाइट भी होने वाली है सेम, ये देखो इस तरह की वेबसाइट होगी। इसके अंदर मैं आपको सर जो तरीका बताऊंगा आपने सेम उसी तरह करना है। ये देखो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से न्यू पे अपना वो बना लेना ब्लॉग, ब्लॉग बनाने के बाद आपने सेटिंग के अंदर जाना है और बनाने, मैं आपको सिर्फ क्योंकि यह जब आप नया ब्लॉग बनाओगे तो उसके अंदर ये सेटिंग कर लोगे। टाइटल आपने इस तरह देना है जैसे कि आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, ठीक है जी, जो गूगल के अंदर रैंक कर रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे cloudy HD लिख दिया, ठीक है, cloudy.pk से मिलता जुलता, और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। डिस्क्रिप्शन आपको पता है किस तरीके से डालनी होती है।
अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप जाके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, मैंने उसके अंदर बताया कि डिस्क्रिप्शन जो है ना वो किस तरीके से बनानी है। और यहाँ पे जो है ना वो आपने इसको किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। और फिर ये देखो, ये बल्कि जो वेब एड्रेस है मैंने इसी तरह लिखा है, देखो cloudyhd.blogspot.com, इसको मैंने बना लिया है, आपने भी इसी तरह बना लेना है। यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, इस ऑप्शन को भी। और दूसरा ये कि आपने जो है ना वो नीचे आना है, नीचे आके स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो है ना वो आपके पास ये फॉर्मेटिंग टाइम जोन आ जाएगा। यहाँ पे अपने जो है ना कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम जोन जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी, आपका ये टाइम जोन होना चाहिए। और ये मेटा टैग्स जो है ना, ये मेटा टैग्स आपने ऑन करना है। और ये मेटा टैग्स आपने कहाँ से लेना है, वही जो डिस्क्रिप्शन आपको बताया था सेम आपने यहाँ से उठाना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये उठाने के बाद आपने मेटा टैग्स में लगा देना है। अगर मेटा टैग्स आपने बनाना है तो बहुत सारे जो है ना वो आपको वेबसाइट मिल जाएंगी मेटा टैग्स बनाने के लिए। दूसरी चीज़ आपने ये जिसकी नई वेबसाइट है, ठीक है, जो नया बना रहा है वो यहाँ से जो है ना वो क्या करेगा, वो एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, वहाँ पर जाओ, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, multitool.blogspot.com के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे ये XML साइड मैप है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपने वेबसाइट का जो है ना वो लिंक पेस्ट कर देना है। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपने मेन लिंक जो है इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ ला के आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। ये पेस्ट हो जाएगा और यहाँ से जनरेट कर देना साइड मैप, ये आपका साइड मैप जो है ना वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके करोगे, आपने सिर्फ सिंपल इस एरिए को आपने कॉपी करना है, सिर्फ इस एरिए को कॉपी करना है, बाकी किसी चीज़ को भी कॉपी नहीं करना। कॉपी करने के बाद यहाँ ला के आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है जी, और इसे यहाँ से सेव कर देना है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपने ऑल करना है, ठीक है, और इसमें नो DP करना, सेव कर लेना है। और इसमें आपने नो इंडेक्स, नो DP करना है और सेव कर देना है। और यहाँ पे आपने ऑल और नो DP करके इसे सेव कर देना है, ठीक है जी। तो ये मैंने पहले से किया हुआ है, बाकी आपने किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, ठीक है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। हाँ, जिसकी पहले मोनेटाइज हुआ हुआ है आपकी जो है ना वेबसाइट, तो उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, इसको आपने पूरे सेटअप को उठा के आपने अपने इसके अंदर डाल देना है और आपके उसके ऊपर रनिंग हो रही होंगी एड्स और आपके तो मिलियंस में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएंगे। आपने सिर्फ गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है मेरी वेबसाइट parkworld.com, ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पे जाने के बाद आपने वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे आपको जो है ना वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है जी, यहाँ से आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके आपको वहाँ ये नीचे आप स्क्रॉल करो, ये देखो, ये स्क्रॉल करोगे यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ये देखो, ये बेस्ट टेम्पलेट फॉर मूवीज ब्लॉगर वेबसाइट, ठीक है, यहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप फ्रंट पे इसी के पेज के पर आओगे जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये पर आ जाओ थोड़ा सा स्क्रॉल करके, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तब भी आप जो है ना वो उस पोस्ट के पर चले जाओगे, ये यहाँ पर ये पेज के पर आ गए, इस पोस्ट के पर आपने चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है, देखो ये इस तरह का टेम्पलेट ये मैंने आपके लिए बनाया है, सिर्फ आप लोगों के लिए जो मैंने रेडी किया है। तो ये देखो, यहाँ से जो है ना अगर आपको इस तरह का डेमो देखना हो तो ये इस पर क्लिक करोगे तो आप उस वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे जो वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, ठीक है जी, ये इस तरह की वेबसाइट के ऊपर आप आ जाओगे, ठीक है, अगर आपने डेमो देखनी हो तो। इसके अलावा जो है ना वो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाओ, स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पे जो है ना ये HTML कोड है, इस HTML को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ से थीम में जाके एडिट HTML में जाके आपने पेस्ट कर देना है, ये आपको आता होगा, बहुत इजी है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है, ये करना है। अगर ये भी नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होता तो और भी आसान है, तो आपने सिंपली ये देखो, ये यहाँ पर ये नीचे डाउनलोड का नाउ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, XML फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे XML फाइल को। XML फाइल डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल जो मैं स्टेप बताऊंगा सेम आपने वही स्टेप करना है, ठीक है जी। अब आपने थीम में आने के बाद यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करना है
और यहाँ से अपलोड कर लेनी है वो फ़ाइल, ठीक है। अपलोड करोगे वो सेव हो जाएगी, ये वाली फ़ाइल अपलोड करोगे सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपकी जो है ना वो सेम इस तरह की पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। बस आपको जो मैं बताऊँगा आपने वो सिंपल स्टेप करने हैं, तो ये पूरी वेबसाइट है वो आपकी होगी, ठीक है। ये देख रहे हो आप सामने जो है इसकी सारी कैटेगरीज बनी हुई है, इसमें कुछ वीडियोज़ जो है ना वो पोस्ट लगी हुई हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है इसका जो कॉपीराइट वाला वो चेंज करना है आपने हर बंदे ने, ठीक है। तो आपने इस तरह HTML में चले जाना है, एडिट HTML में। यहाँ पे आने के बाद आपने फिर जिस तरह जो मैं स्टेप बता रहा हूँ सेम उस तरह करना है। आपने नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है, जब लास्ट में से पहले ना आपने ये चीज़ तलाश करनी है, देखो ये फुटर कॉपीराइट आपने तलाश करना है। फुटर कॉपीराइट से थोड़ा ऊपर यहाँ पे देखो कॉपीराइट C2023 लिखा हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है, इस हिस्से को, ये जो है ना वेबसाइट का URL, यहाँ से कॉपी करके URL को, ठीक है, यहाँ पे ला के आपने पेस्ट कर देना है इस हिस्से में, ठीक है। इस हिस्से में जो है ना वो आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये आपकी जो है ना वेबसाइट का नाम है Cloudy HD, ठीक है, जो मैंने ये नाम लिखा हुआ है Cloudy HD आ जाएगा। बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना आपने, और यहाँ से आपने सेव कर देना है। ये सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद आपका जो है ना वो लास्ट में जो है ना वो ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है, वो हट जाएगा जो थीम का है। और फिर आपने ये पेजेस बना लेने हैं। पेजेस में आपने यहाँ पे पेज में ये मैंने पेज बनाए हुए हैं, आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, इनको नए पेज को जनरेट करना है, ठीक है। किस तरीके से जनरेट करोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखोगे आप अबाउट अस, पेज जनरेटर के ऊपर क्लिक करोगे आपको बेबहा वेबसाइट मिल जाएंगी जो पेज जनरेट करती हैं, ठीक है जी। वो आपको मैंने सिंपल बताया हुआ, मेरी जाके वीडियोस देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने ये पेज जनरेट करता हूँ मैं। तो आप जाके ये पेज जनरेट कर सकते हो, या फिर C5 कोर्स देख सकते हो आप मेरा कि मैंने किस तरीके से पेज जनरेट किया, ठीक है। ये पेज जनरेट करने के बाद ये भी सिंपल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूँ मैं, बाकी हर चीज़ बनी हुई है। और मैं आपके इसमें पोस्टिंग करने का भी तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपने पोस्टिंग करनी है। ये पेज तैयार हो जाएंगे आपके, ये पेज भी बन जाएंगे, इनके आपने लिंक जो है ना वो जाके दे देने हैं। किस जगह पे लिंक देने हैं, ये लेआउट में जाके, आपने ये लेआउट में जाके इसके लिंक, इनके सब के लिंक जो है ना वहाँ पे दे देने हैं। ये देखो यहाँ से आपने जो है ना वो लेआउट में चले जाना है, ये लेआउट में चले जाओ और यहाँ पे जो है ना ये मेन मेन्यू में आकर सबसे पहले तो आप यहाँ से ये Cloudy HD जो है ना ये देखो, ये लोगो जो है ना आपने, मैंने कैसे किया भाई, ये वाइट है लोगो, ठीक है। ये लोगो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोगो में ये हिस्सा जो है ना ये वाइट है, ठीक है। ये आपने इस तरह बनाना, बेशक इसको कॉपी कर लेना और इसके अंदर ही एडिटिंग करके जो है ना वो आप अपनी सेटिंग कर लेना और फिर इसको सेव कर लेना आपने, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दूसरा स्टेप ये होगा कि यहाँ से भी जो है ना वो आपने नीचे आना है, ठीक है, अबाउट अस में, और यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ सेटिंग की हुई है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वो इसको नया एक और लोगो बनाना है और इसका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लैक होना चाहिए, बेशक इसी को कॉपी करके सेटिंग कर लेना। ये PNG फाइल के अंदर होंगे सारे, PNG फाइल के अंदर, ठीक है। इसको यहाँ से आपने सारे जो है ना वो लिंक लगा लेने अपने पेजेस के, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या होंगे, आपके सोशल लिंक जो आपको ज़रूरत हो वो आप रखो, बाकी आप डिलीट कर दो यहाँ से, जो आपको जो लिंक लगाने हो वो रखो, बाकी आप डिलीट कर दो, ठीक है जी। बाकी जो है ना वो यहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई है सारी, तकरीबन सेटिंग हर चीज़ की हुई हुई है। आपने जस्ट आपने ये थोड़ी सी सेटिंग कर, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको वीडियो जो है ना वो मैं इस पर प्ले करके दिखाता हूँ। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो इस पर देखें वीडियो कैसे प्ले हो रही है। इसमें मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, ठीक है, ये वीडियो अपलोड मैंने बिल्कुल नहीं की है, लेकिन इस पर वीडियो चलेगी। डाउनलोड करना चाहे कोई डाउनलोड कर सकता है उस वीडियो को, जैसे इसमें कोई सी भी मैं चला रहा था, जैसे कि इसके ऊपर मैं जाता हूँ, ये देखिए मैं अगर से नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो ये मैंने यहाँ पे टाइटल लगाया हुआ है, ये सारी जो है ना नीचे वीडियो है, ठीक है। इसको वीडियो कोई चलाना चाहे वीडियो देख सकता है यहाँ से, ठीक है, पूरी मूवी। और अगर कोई डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकता है, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं साथ साथ इसे बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो वीडियो के ऊपर ऐड भी चलती हैं। तो ये देखें ये जो है ना मैं बंद कर दूंगा, ये रीडायरेक्ट हो जाते हैं। देखिए ये मैं कॉपीराइट की वजह से इसे मैंने म्यूट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इस तरह की आपके पास वीडियो चलेंगी, आप इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं सारा कुछ इसमें बताऊँगा कि किस तरीके से आप वो कर सकते हो, लेकिन वीडियो जो है ना आपने स्किप नहीं करनी,
अगर स्किप करोगे तो भाई आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। जो जो मैं स्टेप बताऊंगा वो स्टेप आपने फॉलो करते रहना है। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है, इस वेबसाइट पे भी आ सकते हो और कोई भी वेबसाइट जो वीडियोस वगैरह की इस तरह की वेबसाइट है, मूवीज़ वगैरह की, आप उस पे भी जा सकते हो, ठीक है। आपने सिंपल क्या स्टेप करने हैं कि ये जो जिन जो इसके ऊपर वीडियोज़ होती हैं वो आपके उस पेपर चलना शुरू हो जाएँ। आपने जो है ना वो कोई भी जो मूवी है, न्यू मूवी है चाहे ओल्ड मूवी है, कोई भी मूवी है, आपने उसको वहाँ से उठा उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप उस मूवी के ऊपर चले जाओगे, ये देखो जैसे कि ये आया हुआ सेम, मेरे भी सेम आप देख रहे हो सेम इसी तरह ही है, ठीक है। तो मेरा भी सेम इसी तरह ही है। मैंने क्या किया है, मैं जैसे करूँगा आपको बताऊँगा। जैसे कि पहले आप यहाँ से इसको उठाओगे पिक्चर को और इसको अपने पास सेव कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, इस पिक्चर को। पिक्चर को सेव करने के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, आपने जो है ना वो यहाँ से जो आपका मेन ये जैसे कि ये सेव हो जाएगी, सेव होने के बाद फिर ये देखो ये जो है ना आपका मेन टाइटल, इस टाइटल को कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो है ना वो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है जी, ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद अब आपने नीचे जो है ना वो इसके सारा ऐड वो करना है, ठीक है, पोस्ट डालनी है। तो पोस्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वापस आएंगे, ठीक है जी, मैं इसके ऊपर वापस आता हूँ। आपने देखो ये यहाँ से ऊपर वाला नहीं छेड़ना, यहाँ से आपने ऐसे इस तरह नीचे कॉपी कर, नीचे करते हुए आ जाना है और यहाँ तक आके आपने इसे कॉपी कर लेना है सेम इसी तरह। ये देखो ये कॉपी किया मैंने, ठीक है, ये कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, देखो ये आ गया यहाँ पे सेम। अब ये वीडियोस भी इस पे चलेंगी, सिर्फ आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है इस वाले पे और यहाँ से इसका ये URL बंद कर देना, ठीक है, और यहाँ से इसको जो है ना इंटर करके नीचे कर देना थोड़ा सा, और यहाँ पे जाके वो जो पिक्चर हमने सेव की थी उस पिक्चर को जो है ना वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। ये यहाँ से अपलोड हो जाएगी आपके सामने, ये मैं सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने इसी तरह की हैं। आपको कोई भी होस्टिंग वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ब्लॉगर पे ये सारा काम कर सकते हो और कोई वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इसको मीडियम कर लेना है। मीडियम करने के बाद अब आपने यहाँ पे टाइटल भी दे देना है, ठीक है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे ये टाइटल दूंगा किस तरीके से, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, दोबारा इस पर क्लिक कर लूँगा। इसको आपने कॉपी करना है, सेम इसी तरह करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये मैं यहाँ पे जाके जो है ना इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये यहाँ से अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद ये देखो आपके यहाँ पे जो है ना वो सारा कुछ आ गया। फिर यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन सर्च डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे भी ये पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जाके लेबल में हमें यहाँ पे देखो ये बॉलीवुड की मूवी है तो मैं इसे बॉलीवुड और क्योंकि कॉमेडी है तो मैं इसे दो जो है ना लेबल इसके अंदर देता हूँ, ये कॉमेडी बॉलीवुड और कॉमेडी में, ठीक है। ये देने के बाद और ये एक्शन भी है, ठीक है, एक्शन में भी हम इसके डाल लेते हैं, ठीक है। अब ये थ्री कैटेगरीज़ के अंदर आ जाएगी मूवी। ये देखो ये मूवी जो है ना चलने वाली है, मैं इसे अगर प्रीव्यू करता हूँ तो ये प्रीव्यू सेम इसी तरह का प्रीव्यू आएगा। ये देखो ये सामने आपके है, ये मूवीज़ जो है ना ये चलेंगी, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरह की सारा कुछ आपके सामने हो जाएगा, ये ऐसा आने वाला है आपकी वेबसाइट पे, प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाएगी और इसके अंदर आपको व्यूज़ जो हैं ये खुद ब खुद आते हैं, इसके ऊपर व्यूज़ खुद ब खुद आते हैं, ये लाने नहीं पड़ते, ये खुद ब खुद आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे आप लेके आओगे, ये कंफर्म कर दोगे ये सेव हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये तीनों कैटेगरी में आ गई आपकी वीडियो, ये देखो ये पूरी मूवी जो है ना इसके अंदर आ गई। ये देखो ये यहाँ पर जो है ना आप नीचे करोगे स्क्रोल, देखो ये आपका टाइटल है, ये पिक्चर डाल दी है हमने यहाँ पर, ये सारा कुछ जो है ना वो देखो यहाँ पर जो है ना ये देखो ये देखो जी ये जो है ना नीचे आपकी सारी ये कैटेगरीज आ जाएंगी। मज़ीद जिसने देखनी हो ये सारा कुछ हुआ हुआ है पहले से, ऑलरेडी हर चीज़ हुई हुई है इसमें फिक्स। आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, पोस्टिंग करनी है और कुछ चीज़ों की चेंजिंग है वो आपने करनी है। यहाँ से शेयर कर सकते हो ये पिछली वीडियो है और शेयर करने के बाद ये देखो सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। अब ये वीडियो अगर आप चलाना चाहो यहाँ पर क्लिक करोगे तो वीडियो चल जाएगी, अगर इन पर जाके अगर आप देखना चाहो इन पर क्लिक करोगे तो अगर कोई किसी की वीडियोस पे नहीं चलती तो वो यहाँ से आगे भी देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आगे ये देख सकता है, तो ये आपको ये देखो यहाँ से भी वो चला सकता है, ठीक है, और यहाँ से भी वो चला सकता है। डाउनलोड करना चाहे इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी, ठीक है जी। आपके ट्रैफिक आएगा,
अब चाहे वो डाउनलोड करे या फिर आपके वेबसाइट पे आके मूवी देखे, आपको विजिटर मिलने वाले हैं, आपको जो है ना ट्रैफिक मिलने वाला है यहाँ पे, मिलियंस के अंदर ट्रैफिक मिलने वाला है। ठीक है, ये सारा सेटअप आपके लिए बनाया है यार मैंने, हर चीज़ जो है ना वो आपके लिए की है, आपने जस्ट सेटिंग करनी है इसकी। और ये देखो मैं आपको जो है ना वो और भी चीज़ें करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आप करनी है। आप ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हॉरर है, मैं यहाँ पे जो है ना कैटेगरी बना के दिखाता हूँ, ठीक है, अपलोड करके। ये हॉरर है, इसमें से आप सारी जितनी भी आपको ये मूवीज़ दिख रही हैं ये सब आप जो है ना वो इसके ऊपर अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, कोई इशू कुछ भी नहीं होगा। जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट जो है ना वो अप्रूव्ड है तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है यहाँ पे ये। जिनको ट्रैफिक नहीं आता, जिन्हें प्रॉब्लम है जी हमें ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक नहीं आता, तो यहाँ पे तो ट्रैफिक खुद चल के आएगा यार, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ आपने वीडियो जो है ना वो इनकी जो फिल्म हैं इनको आपने पोस्ट करनी है, और जो तरीका मैंने आपको बताया सेम इसी तरीके से आपने करना है। तो आप देखो आपके पास कितना आने वाला है। ये देखो इसने यहाँ पे टेलीग्राम का दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप का दे सकते हो, आपके आके व्हाट्सएप को कोई ज्वाइन करना चाहे, ठीक है, और फिर वहाँ पे आप लिंक शेयर करो। देखो लोग आते हैं मूवीज़ देखने के लिए, व्हाट्सएप ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप जो है ना यहाँ पे ये देखो ये सारा कुछ जैसे ये यहाँ पे नीचे है, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर भी है, सेम इसी तरह आपकी वेबसाइट पर है। देखो यहाँ पर मैंने ये पिक्चर सेव की थी, तो मैं ये पिक्चर जो है ना यहाँ पर ये सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ यार, इसमें कोई चीज़ मैं मुश्किल नहीं सिखा रहा। ये जो जो आप अगर किसी जगह पे जाकर ये सीखते हो ना तो आपसे हज़ारों लाखों, आपको खुद भी मालूम है कि कितना पैसा लेते हैं, कोई भी वेबसाइट नहीं सिखाता ब्लॉगर में, ठीक है, मूवीज़ की। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, पता नहीं यूट्यूब पर ये है या नहीं है, लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये शायद मे भी ये वीडियो आपको मिलेगी ही नहीं, इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी आपको कि जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्या करना है, नीचे ला के इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, बस इससे को सारा कुछ बना हुआ है इस वेबसाइट पे, आपने सिर्फ यहाँ पे ला के ये काम करना है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको आपने बंद कर देना है, ठीक है, इसके उसके लिंक को, वो लिंक जाके आपकी प्रॉब्लम ना करे, वो लिंक प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो ये उसकी वेबसाइट का लिंक हमने हटा दिया, यहाँ से डिसेबल कर दिया, और यहाँ से जो है ना वो हमने ये मैं आपको पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड करने के बाद ये मैं कैटेगरी आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये उठानी है और ये ओपन करनी है, और यहाँ से ये अपलोड हो जाएगी आपकी, सिलेक्ट करने के बाद अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसे पेस्ट कर देना है, और यहाँ से ये मीडियम कर देना है, और ये अपडेट कर देना है, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगी। और फिर आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके भी जो है ना सेम इसी तरह करना है, सर्च डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सर्च डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ये जो लेबल है, लेबल में आपने क्या करना है, लेबल में अभी हमने नहीं लगाना, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा लेबल में आपने क्या करना है, अभी मैं आपको लेबल बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमने पोस्ट आ गई है हमारी, ठीक है, हमने सिर्फ क्या करना है, ये मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये लेबल, ठीक है, पोस्ट लेबल के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हमने हॉरर लिखना है, ठीक है, हॉरर, ठीक है, हॉरर आ गया यहाँ पे, ये क्रिएट हो गया, इसके ऊपर क्लिक कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना हॉलीवुड की मूवी भी है, इसके ऊपर भी क्लिक कर लेते हैं। ये दो कैटेगरीज के अंदर हमारी ये वीडियो जो है मूवी जो है ना ये ऐड हो जाएगी, और इसको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपके सामने जो है ना ये मैंने अप्लाई कर दिया, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। ये देखो जी, ये जो है ना वो आपकी जो मूवी है यहाँ पर आ गई है। आप कोई भी आएगा यहाँ पे आपकी मूवी देख सकता है, जो सर्च करेगा वो आपकी वेबसाइट भी गूगल सर्च के अंदर आएगी, ठीक है। जो देखा ना मैंने आपको, जो मेन वेबसाइट है वो नहीं आ रही, बाकी दूसरी वेबसाइट आती हैं। तो ये बताने का तरीका था कि आप जो है ना वो इस तरीके से आप बना सको। ये देखो, ये मैंने ये भी बनाना सिखा दिया। अब लेबल को किस तरीके से ऐड करना है हमने मेन मेन्यू में, ये हमने लेआउट पर आने के बाद यहाँ पर हमने ऐड न्यू के ऊपर आइटम पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमने हॉरर लिखना है, ठीक है। हॉरर लिखने के बाद नीचे जो हमने कॉपी किया था उसका पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, उस लिंक को हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और ये सेव हो गया। तो ये सेव होने के बाद यहाँ से भी सेव कर देना है, तो ये हमारे पास जो है ना मुकम्मल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और ये आपका पेज भी हो जाएगा। ये देखो, ये सेविंग हो रही है। सेविंग होने के बाद ये हम चले जाएँगे यहाँ पर, मैं ये देखो यहाँ पर ये होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, और देखो ये हॉरर का जो है ना यहाँ पर ऊपर कैटेगरी आ जाएगी, लेबल भी नीचे आ जाएंगे,
ठीक है। और ये कैटेगरी भी आ गई है यहाँ पे, और ये जब हम किसके पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हॉरर वाले पेज के पर ये इस तरह आ गया है, ठीक है जी। ये हॉरर वाले पेज के पर आ गया है। ये होम के पर क्लिक करूँ तो ये होम वाली आ जाएंगी। ये मैं अगर इस पे किसी पे भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, किसी पे भी अगर मैं क्लिक करूँ तो वो जो कैटेगरी हमने बनाई थी उन कैटेगरीज के अंदर, उन लेबल्स के अंदर ये जो है ना मूवीज़ आ गई हैं। कि ये साउथ के ऊपर मैंने देखो ये क्लिक किया तो ये साउथ मूवीज़ जो है ना यहाँ पे, ये हिंदी डब मूवीज़ हैं, ठीक है, ये हिंदी डब मूवीज़ हैं, ये हिंदी डब मूवीज़ आ जाएंगी सामने आपके। ये बॉलीवुड या एक्शन या किसी के ऊपर भी क्लिक करते हो तो ये देखो ये सामने जो है ना वो इस तरीके से आ जाएंगी सारी। ये आप भी बना सकते हो, ये सारा कुछ सिस्टम मैंने आपको बना के दे दिया है, ठीक है जी। ये आप सारा कुछ खुद ही बना सकते हो, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखो ये साइट पर जाना, मैंने सारी सेटिंग की हुई है, टोटल पेज विजिटर, और ये मैंने टॉप ऑफ द फीक, ये सारा कुछ यहाँ पे सेटिंग कर दी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इसकी सेटिंग भी मैंने कर दी है, ये यहाँ पे आपने इसको ऑल चेक कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी सारी कैटेगरीज जो है ना वो यहाँ पर शो होंगी। इनको ऐसे ही रहने देना, इनमें से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। इस पर ऑल लेबल पर भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑल पर भी क्लिक कर सकते हो। ये देखो जी ये सारा कुछ जो है ना वो आपके सामने होगा। ये देखो ये कैसे जो है ना वो आप मूवीज़ जो है ना यहाँ से उठा सकते हो, और पूरी की पूरी मूवीज़ आप जो है ना वो उठा के वहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। आपने कोई अपलोडिंग नहीं करनी यार, ये इस तरह के मेथड जो है ना कोई भी नहीं बताता, ठीक है। ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, और ये सारी थीम वगैरह सारी सेटिंग मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। और ये फ्री में जो है ना देने का मकसद ये है कि ताकि लोग जो है ना वो अर्निंग कर सकें, ठीक है। मुख्तलिफ पर्पज़ हों उनके पास, एक वेबसाइट ना हो आपकी, डिफरेंट वेबसाइट हो, और आप हर वेबसाइट से जो है ना वो अर्निंग करते हो, एक से कम हो एक से ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास अर्निंग होती हो, ठीक है। तो आप अकेले भी है सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए पूरी टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सबको अकेले मैनेज कर सकते हो। मैं हर चीज़ अकेला ही इंडिविजुअली जो है ना वो इन सब चीज़ों को मैनेज करता हूँ। देखो ये सारी जो है ना वो यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया जैसे कि साइट पे जितनी भी सेटिंग है, ये इन सब सेटिंग को आप खुद ही कर लेना अपने अकॉर्डिंग जो है ना, अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये सारी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये आपके सामने जो है ना ये वेबसाइट आ गई है, ठीक है जी। ये वेबसाइट आपके सामने है, और इसी तरह की वेबसाइट आपकी भी बनने वाली है। इसकी बेशक थीम वगैरह का कलर वगैरह ना वो आप चेंज करना चाहो कर लेना, ये मैंने सब पे चेक कर दिया, ठीक है जी। ये चेक हो गया, इनके ऊपर अगर लेब्स पे भी करना चाहो ये कर सकते हो, ठीक है। और लेबल के ऊपर यहाँ से आप सेव कर दो, ठीक है। और सेव करने के बाद ये आपकी वेबसाइट, इन चीज़ों का आपने, बाकी चीज़ों को कुछ नहीं छेड़ना, मैंने इन चीज़ों को सबको डिसेबल किया हुआ आके, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप कर लो, वरना इनकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है जी। तो ये आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, ये सारा जो है ना वो सारी सेटिंग यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो अब इनके ऊपर जो है ना वो आपको, हाँ, साइड मैप आपको पता है, जो नया बना रहे हैं तो साइड मैप किस तरह डाल सकते हैं। हाँ, अब जो यहाँ पे इशू आएगा ना, ये देखो मैंने 12 पोस्ट किए हैं सिर्फ इसके ऊपर। हाँ, अब जो इशू आएगा ना वो इशू आएगा लोगों को कि हमने इसको मोनेटाइज कैसे करवाना है, ठीक है। जो नए वाले हैं जिनका मोनेटाइज ऑलरेडी है वेबसाइट, उन्होंने ये इस तरह की वेबसाइट आप बना ली है, जिनकी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं है वो क्या करेंगे, वो आर्टिकल लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप चाहते हो कि मेरी आपकी जो वेबसाइट का एक लिंक है उसके अंदर मिलियंस में व्यूज़ आए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपने फेसबुक पे जाओ, ठीक है, वहाँ पर जाके सर्च करो, फेसबुक करो जो है ना हिंदी डब मूवीज़ या हॉलीवुड मूवीज़, इस तरह के सर्च करो, आपको बेपनाह जो है ना वो यहाँ पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसके अंदर मिलियंस के अंदर जो है ना वो मेंबर्स होते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर अपनी ये जो नई मूवी आती है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो लिंक, अपना लिंक पेस्ट करो। और ये देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, इस पे देखो मेंबर्स कितने हैं, और फिर पेज मेंबर्स हैं, इन सब पे जाके आप देखो कितने जाके जो है ना लाइक किए हुए हैं। सिर्फ किया है यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना होता है, लिंक लगाने होते हैं। ये उसने बता दिया कि जी ये वीडियो आने वाली है, और फिर उसने क्या किया, ये देखो ये YouTube का लिंक लगाया हुआ है। देखो इसमें कितने, जैसे उसने किया होगा कितने वहाँ पे जो है ना व्यूज़ आए होंगे, और वहाँ पे फिर उसका ट्रैफिक भी पूरा हो गया, चैनल भी मोनेटाइज हो जाते हैं। इसी तरीके से आप YouTube के चैनल भी बनाओगे तो वो भी मोनेटाइज हो जाएंगे, YouTube पे भी जाके शेयर कर सकते हो अपने लिंक, ठीक है।
तो ये आपने इस तरह का खुद भी आप ग्रुप जो है ना वो बना सकते हो, लोगों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि लोग जो है ना मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड हो गई, डब मूवीज़ हो गई, इस तरह के दो तीन का आप ग्रुप भी खुद तैयार कर सकते हो। देखो जैसा कि ये साउथ इंडियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उस पर तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है। ये देखो इसके अंदर जो मेम्बर्स हैं ना वो देखो मिलियंस के अंदर मेम्बर्स हैं, देखो 2 लाख से ज़्यादा इसके अंदर मेम्बर्स हैं। तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इस तरह के ग्रुप आप बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपने लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। तो न्यू मूवीज़ के लिंक जो है ना वो देखो बांग्लादेश से ढाका से ये ऑपरेट होता है, देखो किस तरीके से जो है ना यहाँ पे मिलियंस के अंदर व्यूज़ आते होंगे एक एक जो है ना यूट्यूब या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब आप देखो मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया यार, ये सारा कुछ फ्री में बताया है, मेरा मकसद है सब कुछ फ्री में बताना। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट भी कर सकता है, और मुझे इंस्टाग्राम पे अगर कोई फॉलो करके मुझे DM करता है मैं उसका जवाब लाजमी देता हूँ। देखो ये आपने वेबसाइट पे सिर्फ जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो है ना वो ये इस तरह की वेबसाइट अगर आपको बनानी है, ठीक है दोबारा बता रहा हूँ, इस तरह की वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। मैं कहता नहीं हूँ लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं इस तरह की वीडियोज़ और बनाता रहूँगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ, ये फ्री में है, इसमें मिलियंस में ट्रैफिक आते हैं, आप बेशक जाके चेक भी कर सकते हो। ये देखो ये सर्च में जाओ, यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ जॉन विक, ठीक है, आप कोई भी मूवी जो आपने अपलोड की हो जाके वो आप सर्च करेगा तो आप उसे भी या फिर आप इसे जाके खुद भी चेक कर सकते हो। देखो ये जॉन विक की डब हुई हुई भी और जो इंग्लिश में है वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो है ना वो वेबसाइट आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये होने के बाद आपने क्या करना है, ये देखो ये सारी जो है ना वो मैंने किस तरह कैटेगरीज इसके अंदर डाली हैं, आपने भी सेम इसी तरीके से कैटेगरीज डाल देनी है। यार देखो इसमें इसमें 1000 मूवीज़ आपने अपलोड कर दी हैं, 500,000 मूवीज़ अपलोड कर दी हैं, आपकी मूवी कोई ना कोई मूवी जो है ना वो रैंक करना शुरू कर देगी, और जब रैंक करेंगी तो उसके अंदर मिलियंस और ये लाइफ टाइम इसके ऊपर आते रहेंगे। लाइफ टाइम कैटेगरीज बना लो, आपने सर मेरी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से सर आपने डाउनलोड पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे XML फाइल जो है ना वो आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, XML फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे चैनल को जो है ना वो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यही सोचना कि भाई मैंने ही कमाना है, सब ने कमाना है, तो इसलिए हर किसी को जो है ना ये चीज़ सिखानी है। तो ये देखो जैसे कि आप मैंने यहाँ पे जो है ना ये अगर आप चाहते हो आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आप आर्टिकल भी लिख सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आर्टिकल आप बना सकते हो जो है ना वो, और यहाँ पे नीचे भी आर्टिकल आप बना सकते हो, जो मूवी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है उसको आप बना के लिख सकते हो 1000 वर्ड्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो, आपकी जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज हो जाएगी गूगल के अंदर, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अपना आर्टिकल भी डाल सकते हो। आर्टिकल बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, मेरे C5 कोर्स आप देख सकते हो किस तरीके से आप आर्टिकल बना सकते हो, और मैंने ये भी बताया है कि और भी बहुत सारी वो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आर्टिकल मैंने बताया कि किस तरीके से बना सकते हैं फुल कीवर्ड SEO के साथ, ठीक है जी। तो ये आपके सामने जो है ना मैंने वेबसाइट बना दी है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दो, उस पर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। देखो इस तरह की वेबसाइट आपकी अब बनने वाली है, और जिस जिसकी वेबसाइट बन जाए उसने मुझे DM करना है इंस्टाग्राम पे कि जी ये मैंने ऐसी वेबसाइट बनाई है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।